दिन ब दिन बढ़ता तापमान यानी कि बढ़ती गर्मी से जो है जम्मू की जनता जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार जो बढ़ती गर्मी को लेकर लोग जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 40 से ऊपर डिग्री सेल्सियस जो है यानी कि 43 तक डिग्री सेल्सियस जो है जम्मू का तापमान पहुंच चुका है। मगर इसी के साथ साथ जो SSP सिक्योरिटी है उन्होंने उनके आदेश से आज बढ़ती गर्मी को मद्देनजर रखते हुए पूरा सिक्योरिटी विंग जो है DPL के बाहर, में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, DPL के बाहर हम मौजूद है, जम्मू के DPL के बाहर मौजूद है, जहां पर SSP सिक्योरिटी ने आदेश दिया पूरे सिक्योरिटी विंग को कि आज आप यहां पर जो है शबील का आयोजन करें ताकि थोड़ी सी जो राहत है वो आम जनता को भी मिले। यहां पर सिक्योरिटी विंग के तमाम जो सिक्योरिटीज हैं यहां पर आज शबील देते हुए ठंडा पानी मीठा पानी पिलाते हुए आम जनता को ताकि उनको राहत मिल सके इस तब बढ़ती गर्मी से। यहां पर सिक्योरिटी विंग्स के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम शर्मा है। प्रीतम जी, क्या कहेंगे आज बढ़ता तापमान जो है उसको मद्देनजर रख के SSP सिक्योरिटीज ने आपको आदेश दिया कि थोड़ी सी राहत जो है वो आम जनता को मिले? देखो, हमारा पुलिस तो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तैयार रहती है, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में और कभी जो मौसम है उसके अनुसार हमें भी थोड़ी पब्लिक को राहत दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जम्मू का जो इस वक्त टेम्परेचर है 40+ से चल रहा है, तो उसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है, चलो थोड़ा बहुत पानी पिला के ही राहत मिली है। ऊपर वाले ने भी थोड़ा बादल कर दिया हमारा, उन्होंने थोड़ा साथ दे दिया, हो सकता है बारिश भी कर दे रात तक। लगातार सिक्योरिटीज जो है वो लोगों की सेवा में तो जुड़ी होती है, मगर साथ ही साथ ये नया जो तरीका है उन्होंने अपनाया है, क्योंकि SSP सिक्योरिटीज के तमाम जो सिक्योरिटी विंग का है उनकी तरफ से आज यहाँ पर आम लोगों को शबील यहाँ पर उन्होंने लगाई है ताकि तपती गर्मी से बढ़ती गर्मी से थोड़ी सी राहत जो है वो आम जनता को दे सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर शबील का आनंद लेते हुए, और सिक्योरिटी विंग का हम पहले भी धन्यवाद करते थे, जम्मू कश्मीर पुलिस का पहले भी धन्यवाद करते थे कि इस तरीके के जो सराहनीय कदम जो वो हमेशा उठाते आए हैं, लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। मगर ये एक और ये देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लोगों तक पानी पहुंचाने का काम, गर्मी से राहत देने का काम जो है ये पुलिस विंग सिक्योरिटी विंग यहाँ पर करता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोगों तक ये राहत पहुंचाने का काम जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक एक को यहाँ पर हमारे साथ एक और सिक्योरिटी विंग के हैं, इनसे जानना चाहेंगे आज तपती गर्मी जो है उसको लेकर काफी ज्यादा आम जनता जो है वो परेशान है, आज सिक्योरिटी विंग की तरफ से शबील लगाई गई, SSP साहब का आदेश था, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों में डिहाइड्रेशन बढ़ रही है, लोगों में चक्कर आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं गर्मी की वजह से, तो छोटा सा प्रयास है हमारा कि उनको चलते काम में या चलते रास्ते में राहत देने का, बस और कुछ तो नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप किसी को पानी पिला रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरा सिक्योरिटी विंग जो है यहाँ पर तैनात है, आज लोगों को राहत देने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर और कुछ सिक्योरिटीज के विंग के यहाँ पर कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है जो आज यहाँ पर लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आज के दिन को लेकर। पहले तस्वीरें यहाँ पर सिक्योरिटी विंग के हमारे साथ है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ी सी जो राहत है आम जनता को दी और ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहा है, तो क्या लग रहा है आज? ये हमारा नहीं, हमारे अफसरान की वजह से आज शिविर लगाई गई है, हम तो आगे कार्य करते हैं, और SSP साहब की तरफ से शिविर लगाई गई है कि गर्मी की वजह बहुत गर्मी पड़ रही है, तो देखो आज उन्होंने शिविर लगाई, मौसम भी ढीला पड़ गया, तो आने वाले दिनों में ही लगाएंगे। उन्होंने सुबह जो स्टार्ट किया था 10 बजे स्टार्ट किया था काम, तो अभी वो दफ्तर में चले गए हैं थोड़ा अफसर काम की वजह से, तो देखो प्रभु क्या करते हैं, आगे भी होता रहेगा, हमारा काम है पब्लिक की सेवा करना ही। तो आज भी आप सेवा ही कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जब किसी अच्छा को पानी पिलाते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, देखो सारे पब्लिक इधर, कोई छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं, सभी आ रहे हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, सब पब्लिक आ रही है, अमीर गरीब इसमें कोई नहीं है, सब पानी पी रहे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, सबको पानी यहाँ पर पिलाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि DPL जम्मू
के बाहर ये शबील लगाई गई है, और जो कि एसएसपी सिक्योरिटी का निर्देश था, इन पूरे सिक्योरिटी विंग को कि बढ़ती गर्मी, बढ़ते तापमान जो जम्मू में हो रहा है उसको लेकर जो है एक सराहनीय कदम, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट जो है आज सिक्योरिटी विंग की तरफ से किया गया है। और आपको बता दूं, यहां पर आपको बता दूं एक और राहत, ये देखिए, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस समय यहां पर जो है लगातार लोगों को राहत देते हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार लोगों को राहत देते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, बीच में थापा साहब भी मौजूद, थापा साहब से बात करेंगे। थापा साहब क्या कहेंगे जनता को राहत? जनता को गर्मी बहुत है, इसलिए राहत के लिए ये गाड़ी स्टार्ट की है। तो ये यहाँ पर देखिए राहत देते हुए, देखिए जम्मू की सड़कों पर बारिश तो नहीं हो रही है मगर पानी आपको जरूर दिखेगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का सराहनीय कदम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस समय आप समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से देखते हुए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है आम जनता को जो है राहत मिलती हुई ये तस्वीरें हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं, डीपीएल के बाहर सिक्योरिटी विंग राहत देता हुआ। और यहां से आपको बता दे जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू की जनता को गर्मी से निजात देते हुए और यहां पर जो है लगातार जो है पानी बरसाते हुए ताकि थोड़ी सी जो राहत है आम जनता को जरूर मिल सके। बड़ा कदम जो है यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ये तस्वीरें आप तक साझा करना बहुत जरूरी था। और अचानक से ही यहां पर पानी की बौछार जो है वो यहां पर आते हुए डीपीएल सिक्योरिटी विंग की तरफ से आज यहां पर शबील लगाई गई। और आपको बता दूं तमाम जनता जो है यहां पर पानी पीते हुए थोड़ी सी राहत जो है गर्मी से आज मिली, जरूर मिलेगी जम्मू की जनता को। ये तस्वीरें आप तक साझा की, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।